हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फटे हुए दूध और बेसन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगली बार आपके घर पे जब दूध फटे तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर फटा हुआ दूध, ये लगभग 1 लीटर था। तो अब हम इसे अच्छे से एक बर्तन में मलमल का कपड़ा या मार्किन का कपड़ा लगाकर अच्छे से इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बर्तन पे रख दीजिए और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इस पानी का यूज आप बहुत ही ज़्यादा कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आटा गूंथना हुआ तो आप इस पानी का वेस्ट मत कीजिए, इस पानी को यूज कर लीजिए। तो हम अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे और सारा जो मलाई है अच्छे से हम एक, ये देखिए स्टोर हो गया और ये वेस्ट वाला पानी निकल गया। आप इसे कई चीज़ में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी मलाई निकली इसकी, जो कि हम पनीर भी बोलते हैं इसको। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में रख देंगे। तो अब हम इसे अच्छे से थोड़ा तोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ये, इसी तरीके से आपको एकदम अच्छे से निचोड़ कर लेना है। तो मैंने इसे छोटे बाउल में कर दिया। एक बाउल में मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर यानी आधा चम्मच, आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब हम पानी लेंगे 1 कटोरी में और थोड़ा थोड़ा करके पहले इसे मिक्स करेंगे और पानी बिल्कुल कम कम करके डालिएगा और इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए जितना टाइट डो बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें डो तैयार करना है। और इस पर थोड़ा सा ऑयलिंग करके एक दो बूंद तेल गिराकर हम अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ कट कर लेंगे। आप इस तरीके से पहले इसे बेलन के आकार में कर लीजिए और बिल्कुल छोटी छोटी गोलियाँ जो कि आपके स्क्रीन के साइज पे है, देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी बड़ी साइज की है। एक छोटा लड्डू जो आता है बेसन का, उसी तरीके से बस इसे हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे एक गोल गोल बनाएंगे और इसकी हम छोटी छोटी कटोरियाँ बनाएंगे। और अब ये मलाई हमें इसमें भर देनी है। मलाई में आप चाहे तो थोड़ा सा प्याज कट करके भी डाल सकते हैं और जीरा और धनिया नमक, पर यहाँ पर मैंने सादी मलाई रखी है क्योंकि सादी मलाई का टेस्ट बहुत बिल्कुल पनीर जैसा आएगा। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर इसकी एक गोली तैयार कर ली है, इसी तरीके से दूसरी गोली लेंगे हम, उसे भी तैयार करेंगे। लेकिन हाथों में थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेंगे ना तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं और आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से छोटी सी गोली रेडी हो गई। फिर से हम लेंगे थोड़ा सा मलाई और इसको हम कवर कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हमने इसे कवर कर लिया। अगर कहीं से भी थोड़ा सा फटा लगे तो आप थोड़ा सा लेकर इसे चिपका लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, बस इसी तरीके से सारी मलाइयों को हम अच्छे से फिल करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर कम से कम 12 से 15 गोलियाँ हमारी तैयार हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टीमर ले लीजिए या फिर कोई सा भी स्टीमर या जाली आपके बर्तन में जो सेट हो आप वही ले लीजिए और इसमें ऑयल लगाकर इसे रख दीजिए। तो यहाँ पर नीचे वाले में हमने लिया है पानी। तो पानी में हम लेंगे टमाटर, हरा मिर्च और 2 प्याज, थोड़े से लाल मिर्ची, 3-4 टमाटर जो भी लेना है, 5-6 कली लहसुन और इसके ऊपर हम इसे कवर करके रख देंगे गैस पे। तो आपको इसे 10 मिनट तक पकाना है, स्टीम करना है मतलब कि। और ये देखिए आप एक फोक या किसी टूथपिक से इसे चेक कर सकते हैं, जब ये चिपके नहीं तो समझ लीजिए हो गया है। और ये नीचे हमारे जो भी ग्रेवी के लिए हमने बनाए हैं वो भी कुक हो चुके हैं। तो आप इसे अच्छे से छानकर एक बर्तन में निकाल लीजिए।
और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये वाला पानी आप चाहें तो फेंक दीजिए या फिर आप इसे ग्रेवी में भी यूज कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप एक मिक्सी के जार में ये सब रख दीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जैसे 4 लौंग, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच जीरा। तो आपको सब्जी वाले पैकेट वाले मसाले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा पेस्ट तैयार है। और अब हम वापस से एक कढ़ाई में डालेंगे पानी नहीं गाइस, तेल। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और अब डाल देंगे हम इसमें मसाले जो कि हमने पीस के रखे थे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच लगभग धनिया। आप लाल मिर्ची को कम भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। गाइस, मैंने पानी भूल दिया। तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे और ऑयल जब तक रिलीज ना हो जाए, मसालों को आप धीमी आंच पे पकाइए ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो ये देखिए, मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं। और अब हम इसे ग्रेवी के लिए इसमें डालेंगे पानी। जिस क्वांटिटी में आपको रखना है उस हिसाब से पानी डालिए, और जितनी थिक रखना है आपको उस हिसाब से पानी डालिए। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है लगभग 2 बड़े ग्लास। और यहाँ पर थोड़ी सी मलाई बच गई थी क्योंकि पूरा उसमें फिल नहीं हुआ था, तो हम इसे भी डाल देंगे। इससे क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगेगी आपको। नहीं तो आप कोई दूसरी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक सब्ज़ी की रेसिपी है फटे हुए दूध की, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जब पक जाए तो हमें इसमें सारी गोलियां डाल देनी हैं। एक एक करके सारी गोलियां डालकर हम इसे ढककर, वैसे भी ये कुक है, बस इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है। और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। तो गाइस, हमारी सब्जी रेडी है, आप इसे खाइए और खिलाइए। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठों या पूड़ियों के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आपको मैं एक पीस कट करके दिखाऊंगी कितना अच्छे से फिल हुआ है, ये देखिए गाइस। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। माय वीडियो।